केमिकल अटैक के लिए ड्रैगन को कौन दे रहा है सहयोग? चीन वीडियो प्रोपेगेंडा से जीते युद्ध या फिर जिनपिंग खुद ही अपने साजिश के शिकार हो गए? चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। कोरोना के बाद चीन अब केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के सैनिकों के केमिकल अटैक की एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ये खबर आई थी कि चीन और पाकिस्तान में जैविक हथियारों की क्षमता विस्तार करने के लिए 3 साल की एक सीक्रेट समझौता हुआ है। ये लाइव सैन्य अभ्यास का वीडियो हांगकांग में तैनात पीएलए सैनिकों की एक टुकड़ी का है, जिसमें पीएलए के जवान अलग अलग हथियारों से टारगेट पर निशाना लगाते नजर आ रहे हैं। इनमें कंधों पर रखकर चलने वाली तोप और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल है। ये वीडियो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। चीन भले ही सीमा पर शांति की बात करता हो, लेकिन वीडियो प्रोपेगेंडा लगातार जारी रखते हुए ड्रैगन ने पीएलए तिब्बत कमांड के जवानों के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पहली बार 4000 मीटर की ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से जमीन पर उतरते दिखाया गया। एलएसी पर युद्ध की स्थिति में इसी तरह सेना को वहां पर उतारेगा चीन। अक्टूबर नवंबर में जिनपिंग की कुर्सी छिन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तय समय से पहले सीसीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो सकती है। बैठक में जिनपिंग को हटाने का प्रस्ताव आ सकता है। 2017 में नेशनल कांग्रेस की बैठक में जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति रहने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी, लेकिन अब 3 साल में ही जिनपिंग को लेकर चीन में लोगों का मोह भंग हो चुका है। चीन में अब युवाओं को कम्युनिस्ट पार्टी के जोड़ने की कवायद जारी है। इसके लिए सरकार युवाओं को लालच दे रही है। पार्टी को फॉलो करने पर युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पार्टी मदद कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी पर कमजोर पड़ती अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की ये एक नई चाल है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश जारी है। भारत पर हमले के लिए इमरान खान चीन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। एलओसी के पास पाकिस्तान ने आर्टिलरी और अपनी टैंक रेजिमेंट तैनात कर दी है। अब केवल पाकिस्तान को चीन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक बड़े नेता ने चीन पर बड़ा खुलासा किया। चीन के बड़े नेता शफी बुरफत ने ट्वीट किया है कि चीन लगातार एलएसी पर भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है। पीएलए ने खूंखार अपराधियों और सजायाफ्ता कैदियों को एलएसी पर तैनात किया। इनको पीएलए की ड्रेस पहनाई गई ताकि आर्मी के जवान लगे। एलएसी पर युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहा है चीन। चीन सीमा पर भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, और ऐसे में ड्रैगन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रोपेगेंडा चला रहा है। चीन अब भारत को सलाह दे रहा है कि भारत भले एलएसी पर तनाव बनाकर रणनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस तरह की विदेश नीति की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है। ये तो वही हुआ ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दुनिया भर को कोरोना से बर्बाद करने वाले चीन के लिए एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पता लगा है कि इस वायरस से दुनिया भर में लाखों के मरने के बावजूद चीन नहीं चेता है। वहां की सरकार ने बगैर अप्रूवल के अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी है, जो कि बेहद खतरनाक है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।